का स्वदर्शन करेंगे, सभी अनुभव करेंगे। योग में फर्स्ट यही है कि अनुभूति होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका योग नहीं लग गया। तो अनुभव करते हैं अपने आप को आत्मिक स्वरूप में। देखिए ज्योति सितारा, स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, ज्योति सितारा, देवता प्यारा, फिर पूज्य न्यारा। देखिए अपना पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण दुलारा, अपना ब्राह्मण स्वरूप, स्वराज्याधिकारी ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता पधारा, अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में देखे। फिर से ज्योति सितारा, परम धाम में बाबा के किरणों के नीचे। बाबा को टच करते हैं धीरे से, बाबा की सर्व शक्तियां, सर्व गुणों को अपने आप हमारे अंदर भरता हुआ महसूस करें। शिव बाबा से कंबाइंड हाईएस्ट स्टेज, हाईएस्ट पीक पर अब आ जाए अपने सतयुगी दुनिया में। श्री कृष्ण के साथ हमारा पाठ, देखे हम उनके साथ खेल रहे हैं। स्कूल में जा रहे हैं, विमानों में, पुष्पक विमानों में, एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। फिर झूलों में झूल रहे हैं, देखे कितना सुंदर झूला है, फूल और पत्तियों से बना हुआ, उनके साथ बैठकर झूल रहे हैं। उनके साथ खाना खा रहे हैं, सतयुगी खाना। कि हम उनको खिला रहे हैं, वो हमें खिला रहा है। फिर ऐसे पार्ट प्ले करते करते हम बड़े हो गए। लक्ष्मी नारायण के साथ हमारा भी पार्ट, फिर जन्म बाय जन्म उनके साथ ही हमारे पार्ट जुड़े हैं।
सारे 2500 वर्ष कैसे बीत गए समझ में नहीं आया। फिर आ गए हम मध्य में, देखे कुछ खाली खाली महसूस हो रहा है, तो हम अव्यभिचारी याद कर रहे हैं शिव की, धीरे धीरे अपनी ही मूर्तियों की याद, पूजा अर्चना कर रहे, महिमा गा रहे हैं। देखे अपना ही पूज्य स्वरूप हमारे सामने, आत्मापुरी 8 कला तक आ गई, 16 कला से 8 कला तक। एकदम से खाली खाली महसूस होने लगा, तो पूजा करते करते भी भासना पूरी नहीं हो रही है, वो तृप्ति नहीं हो रही है। देखे हमारी मूर्तियों के सामने हम ही, पूज्य बन गए पुजारी से, अभी पुजारी बन गए। हमारा पूज्य स्वरूप को हम ही पुजारी के स्वरूप में पूजा कर रहे। सभी के बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाने लगे, फिर और ही नीचे गिरते रहे भक्ति करते करते, कहाँ कहाँ ढूंढने लगे। देखे फिर एक दिन बाबा ने हमें ढूंढ लिया, उस दिन से हम ब्राह्मण बन गए, सारा राज हमारे सामने बाबा ने खोल दिया। फिर पूरी लगन से पढ़ाई पढ़ने लगे, संगठन में एकांत में तपस्या करने लगे, सारे स्वरूपों का चिंतन करने लगे, स्वदर्शन चक्र घुमाने लगे, अकासुर बकासुर का स्वदर्शन चक्र से गला काटने लगे। धीरे धीरे हमारे में शक्तियां बढ़ने लगी और हम अपने संपूर्ण पवित्र फरिश्ताई स्वरूप में पहुंच गए। देखे अपना लाइट माइट स्वरूप, प्रकाश से भरा हुआ, बिल्कुल हल्का न्यारा और प्यारा स्वरूप, आ गए अपने संपूर्ण स्टेज में। सारी सृष्टि की पालन करता, विश्व कल्याण का लाइट माइट स्वरूप फरिश्ता बन चुके। अब पाठ खत्म हुआ कि हुआ, आ गए अपने बिंदु स्वरूप, अपने घर, पूरे 5000 वर्ष के बाद अपने घर में, निज स्थान में आकर पहुंच गए के परम धाम में, अपने घर। अब आ जाए फिर से भ्रुकुटी तख्त पर, और मुरली का सेकंड पार्ट सुनते हैं। कल की ही मुरली में हमने सबने एंजॉय किया ना, श्री कृष्ण के साथ घूमे, झूला झूले, खाना खाए, बहुत अच्छा था कल का भी सेशन। बाबा की सभी मुरलियां बहुत ही सुंदर है, तो आज मुरली का डेट है 8 जनवरी 1979, संगम युग में, समानता में, समीप भविष्य संबंध में, समीप आत्माएं। कल सुना ना, जो
समीप होंगे वो शुरुआत से ही, विघ्न तो आएंगे उनको, लेकिन वो एकदम जल्दी से विघ्न जीत बन जाएंगे, है ना। ज्यादा अटकेंगे नहीं, निर्विघ्न रहेंगे ज्यादा करके। तो आज पार्टियों से मुलाकात की है बाबा ने, उसमें पार्टियों को पवित्रता का महत्व बताया है कि वे मन वाणी और कर्म से संपूर्ण प्यूरिटी का, पर्सनैलिटी का अनुभव करते हैं क्या, क्योंकि मन में, वाणी में और कर्म में फर्क पड़ता है ना। तो ये बाप ने बहुत अच्छा डीप अनुभव कराया आज, कि हम अपनी अपनी चेकिंग करेंगे मुरली के दौरान। फिर माताओं को बोला कि नष्टो मोह बनना है ना, तो आपको एक विधि है, आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे से सारे संबंध जोड़कर वो निभाने पड़ेंगे। क्योंकि माताएं क्या करती है, निभाती नहीं है ना, अटक जाती है। तो आज भी बाबा ने बोला ना, माताओं को ज्यादा टाइम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उन संबंधों से अनुभव करेंगे तो आप जल्दी से नष्ट मोह बनेंगे। फिर विदेशियों से बाबा ने बात की है कि वो कितने लकीस्ट है, कि वो अलग संस्कृति में रहते हुए भी बाबा के साथ ऐसे जुड़ते हैं जैसे कि बाबा के, क्योंकि ना बाबा को उनका बहुत बहुत ये रहता है कि वो बहुत केयर करते, बाबा उनको छत्र छाया के अंदर ही रखते। ऐसी बहुत सारे 3-4 एग्जाम्पल से बताया कि वो कैसे लकीस्ट है। फिर शक्ति और पांडवों को भी कुछ मोटिवेशंस के महावाक्य है, वो भी सुनेंगे। फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया कैसे नंबर 1 में जा रहा है, जैसे देखो इंडिया में हम गली गली में सबको समाचार दे रहे बाबा आ गया है, वैसे ऑस्ट्रेलिया भी सभी को परिचय देने में नंबर 1 जा रहा है। तो जल्द ही सभी के घर घर मंदिर होने वाले, और घर मंदिर है तो फिर मूर्तियां कौन है, हम ही ना। वैसे ऐसे बाबा ने पूरी मुरली बताई है, तो अभी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे बाबा की मुरली। जो पार्टी 6 तारीख को आई थी ना, वो रुकेगी ना, तो आज इसमें 8 तारीख है। उन पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा ने महावाक्य उच्चारे है, तो सुनते हैं बाबा की मुरली पार्ट 2। पार्टियों से मुलाकात 6179, जो पार्टी आई थी उसमें बाबा ने बताया है कि ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनैलिटी है प्यूरिटी, यही फाउंडेशन है ना। तो बाबा ने आते ही उस पार्टी को क्या बताया, पूछा, देखो बाबा क्वेश्चन पूछते हैं ना, सदा अपने को मन वाणी और कर्म से, कर्म में संपूर्ण प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाले अनुभव करते हैं। तो अब ये पार्टी हम अपने आप को समझेंगे, और बाबा का क्वेश्चन हमको, हम अपने आप को पूछते हैं, क्या हम सच में मन वाणी और कर्म से संपूर्ण प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाले अनुभव कर रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए चेकिंग करें, मन मन से प्यूरिटी है, वाणी में प्यूरिटी है, और कर्म में, चेकिंग करें अपने आप। क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी है ही प्यूरिटी, हमारा मुख्य फाउंडेशन क्या है, प्यूरिटी। प्यूरिटी किस में आएगी, किस में आएगी, सिर्फ शरीर की नहीं, मन से भी, संकल्पों से भी प्योर बनना है ना। तो जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो ये पर्सनैलिटी अपने जीवन में अनुभव करते हो,
चेकिंग करते जाएंगे, पूरा चेकिंग का ही है, क्योंकि मन में है तो वाणी में आएगा, वाणी में है तो कर्म में भी आएगा। जितनी पर्सनैलिटी होगी उतना ही विशेष आत्माएं गाई जाएगी, है ना। जैसे हमारी पर्सनैलिटी हाईएस्ट बनती जाएगी ना, वैसे हम विशेष भी बनते जाएंगे। मुख्य पर्सनैलिटी प्यूरिटी है, प्यूरिटी, सभी के बारे में ना प्योर सोचना, है ना। मैंने एक दीदी को देखा कि वो ना सभी को दृष्टि देते हुए, जो एप्पल देते हैं ना, वो बहुत बड़ी दीदी थे, और वो देख रहे थे पूरा एप्पल अच्छा है क्या, यानी किसी को भी थोड़ा भी गंदा या सड़ा रहता है ना, थोड़ा सा डॉट्स या कुछ भी, तो वो ना ऐसे दे देते थे जो अंडर वाले थे ना उनको। तो ऐसे लगा कि कितना प्यार है इनको सभी बच्चों से, है ना। ऐसे नहीं सोचते थे कि इतना सारा हॉल भरा है सबको फटाफट दे दे, नहीं, सभी को प्यार से दृष्टि, और इतना पावर्स अनुभव हो रहा था ना, तभी पता चल रहा था कि ये आत्मा कितनी रहम दिल, और हर एक के बारे में, ये सब कौन है, देवी देवता है ना, सभी को प्यार से। तो इसको बोलते, जितनी पर्सनैलिटी होगी उतनी ही विशेष आत्माएं गाई जाए। तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। देखो, मुख्य पर्सनैलिटी है, प्योरिटी है तो मन से भी प्योरिटी। ब्रह्मा बाप भी आदि देव, वह पहला प्रिंस कैसे बना, है ना। बाबा भी सभी की केयर करता था ना बहुत, हमसे भी ज्यादा हमें दूसरों के बारे में सोचते हैं। इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आए, तो फॉलो फादर है ना, तो बाबा कैसे 1 नंबर पर आए, प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार। संस्कार ही पवित्रता के है, ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र है। देखो, संस्कार बोले ना, संस्कार ही पवित्र है, इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, है ना। ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं श्रेष्ठ कार्य करने, शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है ना, क्योंकि उन्हों को महान समझते हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है, लेकिन देखो आजकल के लौकिक ब्राह्मण भी पूरे पवित्र नहीं है ना, तो बाबा ने हमें उस लेवल तक लेके गए। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो, कौन से निजी जन्म संस्कार, इसके बारे में रूह रिहान करेंगे एंड में। ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो, पवित्रता जन्म संस्कार बनी है, निजी जन्म संस्कार में बाबा ने पूछा है, पवित्रता जन्म संस्कार बनी है, चेक करो अपने अंदर कितनी पवित्रता आई है। जैसे कोई के क्रोध के संस्कार जन्म से ही होते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, क्रोध के संस्कार जन्म से ही होते हैं, तो कहते हैं चाहते नहीं है मेरे जन्म के संस्कार, ऐसे ये जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं, वो ऑटोमेटिक मूड में रहते हैं ना, वो अपने आप ही क्रोध आता है। कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए, इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। देखो कितना इंपॉर्टेंट वाक्य है, स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए, तभी क्या बोलेंगे, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाले। तो अगर हमारे स्वप्न में आता है तो हम इतने प्योर नहीं है ना। इस पर्सनैलिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही है, महान आत्माओं को न जानते भी नमस्कार करते हैं, साधारण को नहीं। ऐसे तो महान होना, तो हमें अपने आप को क्या
है, मैं कौन हूं? महान आत्मा। मोह का बीज है संबंध, सेकेंड पॉइंट है, मोह का बीज है संबंध। उस बीज को कट करने के लिए बाबा ने यहाँ पे विधि बताई है ना, उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त। बीज ही कट करेंगे तो शिकायतें समाप्त हो जाएंगे ना। मोह का बीज है संबंध, बीज ही संबंध है। माताएं सब नष्ट मुहां होना, जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसमें मोह हो सकता है क्या? चलो, माताएं नहीं, सभी हम सोचते हैं, हम सभी आत्माओं को बाबा बता रहे कि अगर सब संबंध बाबा से जोड़ लिए तो किसमें मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता, तो संबंध है इसलिए तो मोह है ना। सदा यह याद रखो, जब संबंध नहीं तो मोह कहाँ से आया, है ना? हमारा किधर तो मोह अटकता है, वो खींच रहा है हमको, बाबा से कनेक्शन तोड़ रहा है, तो क्या हो रहा है? वो संबंध आपको नीचे खींच रहा है। तो संबंध ही बाबा से जोड़ लिए तो मोह भी नहीं रहेगा ना। मोह का बीज है संबंध, देखो संबंध को हाईलाइट किया है यहाँ पे। जब बीज को ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा, है ना? बीज को आपने काट दिया तो कैसे वो पेड़ आएगा, क्या वृक्ष आएगा? नहीं ना। अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तो तोड़ा है और कुछ तो जोड़ा है, दो तरफ है। अभी भी आपको खींच रहा है तो आपने कुछ तो तोड़ा भी है और कुछ जोड़ा भी है। तो दो तरफ वाले को न मंजिल मिलती है न किनारा होता है ना? यहाँ के भी नहीं और वहां के भी नहीं, है ना? दो नाव के ऊपर पैर रखेंगे, एक पैर एक नाव में, दूसरा पैर दूसरे नाव में, नाव चल पड़ेगी तो बीच में डूब जाएंगे ना, वैसे हो रहा है। देखो, दो तरफ जाएंगे तो क्या होगा, न मंजिल मिलती है न किनारा होता है। तो ऐसे तो नहीं हो ना, सब नष्ट मोहा हो ना, पापा पूछ रहे हम सभी को, कहाँ कहाँ हम अटके हैं, तो यहाँ पर भी अटक रहे और बाबा से भी योग लगा रहे। तो हमारी अवस्था देखो, मंजिल भी नहीं मिल रही और किनारा में भी नहीं रुक रहे, कहाँ पे किनारा भी नहीं मिल रहा। फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करे, बंधन है कटता नहीं, है ना? बंधन कहाँ जोड़ लिया, लौकिक, इसलिए क्या बोलते, क्या करे बंधन है कटता नहीं। जहां मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाते हैं, है ना? मोह नष्ट हो गया होगा तो हम स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, फिर कटता नहीं मिटता नहीं, यह भाषा खत्म हो जाती है ना? स्मृति स्वरूप हो जाए कुछ सेकंड्स के लिए बाबा के साथ, सभी संबंध एक एक करते जोड़ते जाना है, फिर ये भाषा ही नहीं रहेगी, कटता नहीं मिटता नहीं। जो संबंध ज्यादा खींच रहा है ना, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि बाबा से सर्व प्राप्तियां मिलती जाती है। सदा मन मना भाव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं, है ना? मन मना भाव, मन सिर्फ मेरे में लगाओ यानी बाबा में लगाओ, तो मन के जो भी बंधन है वो भी, उससे भी हम धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे। अभी विदेशी भाई बहनों के साथ देखे, विदेशी भाई बहन सामने है और उनके साथ बाबा बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम अपने आप को अनुभव करेंगे कि हमें ही बाबा बता रहे। सभी बाबा के सदा नियरेस्ट और डियरेस्ट हो,
देखो बाबा के एकदम नजदीक वाला सितारा है ना, बाबा ने एक मुरली में बोला ना, जो नजदीक है समीप है वो बाबा के दिल के डिब्बी में है ना, बाबा के दिल में। देखिए अपने आप को बाबा के दिल में एकदम नजदीक, शिव बाबा और बाबा के एकदम नजदीक, बाबा के दिल में, नियरेस्ट और डियरेस्ट। क्या समझते हो अपने को, अपनी कल्प पहले की प्रलब्ध स्पष्ट सामने है ना। कल्प पहले भी हम बाबा के कौन है, नियरेस्ट और डियरेस्ट, बहुत नजदीक। डबल विदेशी आत्माओं का नंबर वार इस संगम युग के विशेष पार्टों में विशेष पार्ट जुड़ा हुआ है, विशेष में भी विशेष। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा विशेष वरदान है, कौन सा देखेंगे बाबा क्या वरदान दे रहे, विशेष वरदान है। विदेशी बच्चे जब से जन्म लेते हैं तभी पहली घड़ी में ही यानी फर्स्ट सेकंड में बाबा द्वारा विशेष वरदान, सदा छत्र छाया के अंदर रहने का मिल जाता है। देखिए अपने ऊपर बाबा की छत्र छाया, लाइट की माइट की, सदा हम सेफ है बाबा की किरणों के नीचे। जैसे भारत के शास्त्रों में दिखाया है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, देखो श्री कृष्ण का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे बाबा, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में जन्म होते हुए भी जब नदी पार किया तो सांप ही सेफ्टी का साधन बन गए, देखा है ना। वैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में से जब ही वहां पे नदी पार करने के लिए वो नंद बाबा लेके गए ना, तो पूरा बारिश गिर रहा था, तो वहां पे सांप देखा ना शेषनाग, और वो छत्र छाया बन गया और वो सेफ्टी का साधन बन। ये तो कथा कहानी है, लेकिन बाबा ने ये एग्जाम्पल देकर ये बताया कि बाबा सदैव हमारे साथ है। तो विदेशी बच्चों को वरदान है कि कैसे भी वातावरण अशुद्ध है, कैसे भी जीवन पाठ देख रहे, लेकिन फिर भी पाप की छत्र छाया बच्चों को सदा सेफ रखती है, सेफ रखती आई है और अंत तक रखेगी। बाबा ने डायरेक्टली बोला है कैसा भी अशुद्ध वातावरण, अभी देखो सभी जगह का वातावरण भी अशुद्ध हो गया है ना। अपने आप को मन में बताएंगे, अपने आप को बोलिए कैसे भी वातावरण अशुद्ध, चाहे कोई भी नहीं हमारे घर में बाबा के ज्ञान ले रहा, बहुत विरोध कर रहा है, या अशुद्ध वातावरण है, कुछ भी परिस्थिति आ रही, कैसे भी जीवन पार्ट हम देख रहे, जीवन का जो पार्ट हम हमको मिला है, फिर भी बाबा का क्या कहना है कि मेरी छत्र छाया बच्चों को सदा सेफ रखती आई है और अंत तक रखेगी, ये बाबा का वायदा है, अपने मन में छाप लो इसको, सदा सेफ रखती आएगी ये छत्र छाया और अंत तक रखेगी। सेकेंड पॉइंट, साथ साथ विदेशी बच्चों को बाप के साथ सदा सदा साथ के अनुभव की विशेष मदद है, क्योंकि दूर वाले बच्चों की ज्यादा फिक्र रहती है ना माँ को भी, देखो अगर ये बच्चा हॉस्टल में है उसकी ज्यादा चिंता लगी रहती है ना, वैसे बाबा का भी सदा साथ में रहने का विशेष मदद का वायदा भी बाबा ने आज बोला है। तीसरी बात, विदेशी बच्चों को विशेष रूप से जन्मते ही सेवा के संस्कार का सहयोग है, यह भी विशेष ड्रामा अनुसार पार्ट मिला हो। देखो वो भी कुछ भी सेवा होगी ना वो हाजी करते। चौथी बात, याद की यात्रा
है ना, याद की यात्रा में क्या करते हो? याद की यात्रा में सहज ही अनुभवों की खान, प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को प्राप्त है। देखो, योग में बैठते हैं ना, तो उनको सहज ही अनुभव होने लगते हैं, है ना? कौन से अनुभव? कौन से भी अनुभव बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि उनका मन बुद्धि बाबा के साथ कनेक्टेड है। सहज ही अनुभवों की खान, प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को प्राप्त है। तो बताओ कितने लकीएस्ट हो, है ना? हमको बैठना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है, फिर अनुभव होते हैं। वो तो इतने जल्दी टच होते, उनको अनुभव होने लगते हैं आते ही। तो ये लकीएस्ट है। बाप दादा के संगम युगी विशेष अमूल्य रत्न ही, जिन अमूल्य रत्नों द्वारा बाप दादा विश्व में ऐसे रत्न रत्नों को सैंपल के रूप में रखेंगे, है ना? बहुत अमूल्य रत्न निकलने वाले विदेश से, क्योंकि विदेश से ही भारत के कुंभकर्ण जगने वाले हैं ना। तो बाबा ने ऐसे ऐसे रखे, अभी देखो कोई कोई निकल आ रहे। इसलिए सदा बाप और सेवा के सिवाय कोई भी बात याद ना रहे। साथ का अनुभव करते हैं। शक्ति सेना क्या समझती है? अभी देखो, शक्ति सेना से बात कर रहे बाबा। शिव और शक्ति सदा साथ है ना, नाम ही है। शक्ति शिव है ना, शक्ति नाम ही है, शक्ति शिव शक्ति नहीं। तो शिव शक्ति है, वह याद के सिवाय रह नहीं सकती। कभी भी कोई कार्य करो तो सदा यह सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य कर रहे तो क्या बोलना है? विश्व सेवा के अर्थ में क्या हूं? निमित्त मात्र कर रहे। इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है, यानी करते हुए न्यारे बनते ना। मैं कर रहा हूं नहीं, मैं निमित्त हूं, यानी उस कर्म से हमें न्यारा होना है। तो कर्म का बोझ भी नहीं आएगा और थकावट भी नहीं। इसलिए कमल पुष्प हल्का बोलते हैं ना, कमल पुष्प बहुत हल्का, न्यारा और प्यारा। इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है। तो सभी कमल पुष्प के समान कार्य करते न्यारे और बाप के प्यारे बनकर करते रहते हो, कर रहते हो। अपनी आप चेकिंग करेंगे क्या हम अटकते हैं? उस कार्य का भान रहता है तो हम अभी तक उतने न्यारे और प्यारे नहीं बन रहे, बनकर रहते हो। पांडव, अभी पांडव से बात करें। पांडव कमल पुष्प के समान है ना। यह लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है ना। यही बना बनाया संपर्क मिल जाता है। तो देखो, पांडवों को दोनों कार्य करने पड़ते हैं ना, लौकिक और अलौकिक। तो उन्होंने वहां उनको वहां पर भी बैलेंस रखना पड़ता है। इसलिए बाबा क्या बोल रही है? लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है, क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहे हैं ना उस फील्ड में, जो भी ऑफिस में काम करे या कुछ भी काम करे, तो उनके साथ वो बातें तो करेंगे, संपर्क में आएंगे, है ना? तो उनको भी परिचय जाएगा और वो भी उसमें से भी कोई रत्न निकल सकते हैं ना, बाबा के बच्चे। तो ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है। तो वो तो ऑलरेडी सर्विस पर है, या कहाँ पर भी जॉब में है, या कुछ व्यापार कर रहे, तो अपने आप वो लौकिक वालों के संपर्क में आते हैं ना। तो उनका क्या है? बना बनाया संपर्क। इसलिए डबल कार्य के लिए डायरेक्शन दिए जाते, है ना? थोड़ा थोड़ा मैसेज सभी को देना, बाबा बता रहे यहाँ पे। और जैसे संपर्क आगे बढ़ते जाएंगे, संपर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर लौकिक खड़ा हो जाएगा, अलौकिक कार्य के निमित्त बन जाएंगे।
ना, जैसे जैसे संपर्क बढ़ेगा तो क्या होगा, बाद में संपर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर लौकिक खड़ा हो जाएगा, अलौकिक कार्य के निमित्त बन जाएगा। लौकिक ही क्या बन जाएंगे, अलौकिक कार्य करने लग जाएंगे और वो फिर परिचय देने लग जाएंगे। सभी की यह स्टेज आती है और सदा है, यह भी सेवा का चांस समझकर कार्य करो। ओके, लौकिक में भी अलौकिक होते जाएंगे बाद में। अभी ऑस्ट्रेलिया से बाबा, ऑस्ट्रेलिया पार्टी से बाबा बात कर रहे। ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प साकार में बहुत अच्छा लगा लाया है। देखो, बाबा को प्रत्यक्ष करने का जो संकल्प है वो साकार में बहुत अच्छा लाया है। तो अनुभव किया वह अन्य आत्माओं को भी कराने का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया वो बहुत अच्छा। जो उनको अनुभव हो रहे वो सभी को बता रहे ना, अन्य आत्माओं को वो शेयर कर रहे, है ना। इसलिए तो कभी कभी देखो बफर्डे में भी बाबा इस ग्रुप में भी बोलते हैं ना, आपको जो जो अनुभव आए, कल भी आया था ना, प्राप्ति की लिस्ट आपने ही बताते हो, बाबा ने क्या क्या, बाबा का बनने के बाद आपको क्या क्या प्राप्तियां मिली, है ना। जो अनुभव किया वो अन्य आत्माओं को भी कराने का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया वो बहुत अच्छा है। योग की प्रैक्टिसेस कराते होंगे या कुछ भी, इस विशेषता के कारण ऑस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर 1 में है ना। जैसे गायन है भारत के लिए घर घर मंदिर, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले वालों के घर घर में, अर्थात जो भी आने वाले हैं वह सेवा का सबूत देने में, घर घर को मंदिर बनाने में नंबर 1 आ रहे हैं। कितना सुंदर रिजल्ट बताया। तो आप सब कौन हो गए, मंदिर में रहने वाले चैतन्य मूर्तियां। देखिए अपने आप को, घर ही मंदिर बन गया और हम कौन बने, चैतन्य मूर्तियां, चलती फिरती मूर्तियां। आप सब समझते हो हम नंबर 1 है, बोलिए अपने आप को, मैं नंबर 1 हूं, बोलिए, पीछे नहीं हटना है। बाप को भी खुश खुशी होती है ना, खुशी है, ऐसे ही आपको देखकर सब फॉलो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्यों सबसे पहले लगेगी, क्यों लगेगी, देखो बाबा ने आज आशीर्वाद दे दिया ऑस्ट्रेलिया वाले। जैसे बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं तो आप सभी उम्मीदों के सितारे हो। चारों ओर ऐसे आवाज फैलाओ जो ऑस्ट्रेलिया का आवाज ना, ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखा है, वैसे आप भी करके। भारत में पहले पहुंच गए, आवाज तब पहुंचेगा जब बुलंद होगा। बुलंद आवाज करने के लिए चारों ओर से एक आवाज निकले कि हमारा बाप गुप्त वेश में आ गया, है ना। सभी ओर से आवाज आ जाए कि हमारा बाबा आ गया। जैसे बाप ने आप बच्चों को गुप्त से प्रत्यक्ष किया, वैसे आप सबको फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने आपको सामने लाया ना अभी सभी के, वैसे अभी हम सभी को मिलकर बाबा को सामने लाया है ना। हम नहीं कर रहे, बाबा करवा रहे। सब शक्तियां मिलकर अंगुली देंगी तो सहज ही हो जाएगा, सभी सभी को मिलकर करना पड़ेगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे रत्न है, एक एक रत्न की अपनी अपनी विशेषता है। सदा अपने को कल्प पहले वाले रत्न समझकर चलेंगे तो विजय का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाएगा, विजयी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस में बैठेंगे। अभी सभी शेयर करेंगे, बहुत सुंदर मूल्य। जी बोलिए संगीता सिस्टर। ओम शांति दीदी जी। तो आज के मुरली में बाबा ने प्योरिटी पे बहुत एम्फेसिस दी है
और प्योरिटी की पर्सनालिटी का डेफिनेशन ये है कि जिसके संकल्प में भी और स्वप्न में भी कोई भी अपवित्रता का संकल्प ना आए, थॉट ना आए है, वही प्योरिटी की पर्सनालिटी है जो ब्रह्मा बाबा थे, और इसलिए वो नंबर वन गए। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। जी, तारा सिस्टर स्वप्न में तभी आता है जब ये अनकॉन्शियस में स्टोर्ड रहता है ना। तारा सिस्टर बोली सबकॉन्शियस माइंड में होता है, वही सपना में आता हाँ, स्टोर रहता है। है। हमारे तो मुरली के शब्द आते हैं सपना बहुत अच्छा। तारा सिस्टर दीदी। बहुत ब्राह्मणों का ऐसे ही है ना, स्वप्न में ऐसे ही आता है कुछ सेंटर ऐसे वैसे सेवाएं। बोलिए तारा सिस्टर। ठीक है दीदी, ओम शांति। तो इसी पे मैं ऐड करूंगा कि जो ब्राह्मण होते हैं, हम ब्राह्मण तो हमारा मन वाणी कर्म ये सब में हमारी प्योरिटी दिखानी चाहिए, और जो हमारा संस्कार है पवित्रता का संस्कार, और हम सदा श्रेष्ठ कर्म करें, और संकल्प में जैसे दीदी बोला है स्वप्न में भी पवित्र रहे, तो इससे हम अपने आप को बोल सकते हैं कि हमारा हम ब्राह्मण है, क्योंकि हमारा हमारा प्योरिटी यही हमारी पर्सनालिटी है ब्राह्मण जीवन का। लेकिन मैं एक और पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ, जो विदेश भाई बहनों के लिए बाबा बोला है कि वो हमको वरदान दे दिया है कि वो सदा हमारा छत्र छाया बनकर रहता है, और वो हम महसूस भी करते हैं कि बाबा हमारे साथ सदा रहते हैं, और हम उन्हीं के याद में सदा सर्व कार्य करते हैं, और हमें बहुत मदद मिलती है बाबा से, जब बाबा को हम बहुत सदा लकीस्ट है, जी जी बहुत लकीस्ट है आप सभी। दीदी महसूस मैं वहाँ मधुबन जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत दूर होता है ना, तो बाबा हमारे साथ रहते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर, डायरेक्ट लाइव ही रिजल्ट आप सुनाया। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जो संबंध है वो बीज है, तो जब संबंध होता है तभी मोह होता है। तो संबंध हमारा, हम लौकिक में अपना संबंध जोड़ लेते हैं, बुद्धि इधर उधर जाती है तो फिर मोह में फंस जाते हैं। वो एक बीज है, तो बाबा ने कहा उस बीज को ही काट दो। जब बीज ही नहीं रहेगा तो वृक्ष ही नहीं होगा। और बीज को काटना यानी कि बाबा के साथ सारे संबंध जोड़ लो, तो बुद्धि इधर उधर जाएगी ही नहीं और नष्ट मोह आसानी से बन जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए। चेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति दी। प्योरिटी पर्सनालिटी मन वचन कर्म व स्वप्न संकल्प मात्र में भी अपवित्रता का अंश न हो, उसको कहेंगे प्योरिटी की पर्सनालिटी। बाकी जो नष्ट मोह बाबा ने कहा है, तो माताओं को नष्ट मोह किससे हो गया था, पोते पोतियों से, नाती वगैरह से, मीठे कीड़े बोलते हैं उनको, वो काटते हैं। जब उनको या उनसे मोह नहीं होगा तो सिर्फ बाबा से रखना है, वो बीज ही काट देंगे तो फिर बाबा से ही होगा ना, सिर्फ एक बाबा दूसरा ना कोई, तोड़ने के लिए नष्ट मुआ बनना है तो। ओम शांति। जी, साकर वाणी में भी आया था देखो, है ना, कि हाँ जी, इनको मीठे कीड़े बोलते हैं। हाँ, बच्चों ने पूछा था कि अगर पाप तो नहीं होता का संकल्प में आता है, तो बाबा ने क्लियरली बोला ना कि संकल्प में तो माया लाएगी तूफान, लेकिन आप कर्म में मत लाओ। जी कर्म महारथी स्वप्न में आपके संकल्प में आ गया, लेकिन कर्म में नहीं आना चाहिए, कर्म में आ गया तो हाँ, फिर तो मन वाणी तक ठीक है, वाणी तक भी नहीं लाना है, कर्म में भी नहीं लाना है, मन में वो माया तूफान रहे। ये और तभी तो कहा मन वचन कर्म स्वप्न संकल्प मात्र में भी अपवित्रता का अंश न हो। ऐसे ही मतलब कोई भी आप आ गया तो मन में, लेकिन कर्म में नहीं आना चाहिए। ओम शांति। जी, और कोई विदेशी शेयर करना चाहते? तेजल सिस्टर है, और कौन है, नीता सिस्टर है, काफी सिस्टर है क्या, उनके भी अनुभव सुनेंगे।
और मुरली में और भी पॉइंट्स है, बता सकते हैं। ओम शांति। तो आज जो बाबा ने याद की यात्रा बताई है कि याद की यात्रा, आज साकार वाणी में भी याद ही आई है कि याद में रहने की मेहनत हमें करनी है, क्योंकि याद में रहने से ही हमें घर जाने में सहज मदद भी मिलेगी बाबा की, और हमारे पाप कटेंगे, क्योंकि साक्षात्कार हमें कुछ इतना हेल्प नहीं करता है, और साक्षात्कार करने वाले तो आज है भी नहीं। बाबा ने साकार वाणी में भी बताया है। तो विदेशी भाई बहनों को बाबा का ये विशेष वरदान है कि सदा याद की यात्रा में सहज अनुभवी बनते हैं। तो ऐसे अलग अलग अनुभव होते रहते, जैसे लगता है कि सदा बाबा साथ है और हमें वॉच कर रहा है, हर सेकंड वॉच कर रहा है। तो इतनी खुशी भी रहती है और साथ में अलर्टनेस भी रहता है, अटेंशन की, ओ बाबा वॉच कर रहा है तो हमें संभाल के रहना है। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई नहीं है और किसी को पता भी नहीं पड़ता है कि हम इतने अंदर से खुश रहते हैं कि बाबा हमारे सदा साथ है। तो बहुत ही सुंदर अनुभव है, ये फीलिंग बहुत अच्छी है। ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंडिया में तो सभी जगह पे है पाठशालाएं, सेंटर्स, इवन 5-5 किलोमीटर, लेकिन ऐसे विदेशी आत्माएं जहाँ पे जो जा भी नहीं सकते, सेंटर भी दूर दूर है, तो ऐसे भी किसी को शेयर करना है, हाँ, शेयर हमारे कर पास सकते। कुछ नहीं है, कोई भी सेंटर नहीं है, तो बाबा ने देखो पकड़ के रखा है, तो हमें इतनी खुशी होती है। और ऑफ कोर्स दुख भी होता है कि सेंटर की पालना और ब्राह्मणों के परिवार के उससे हम दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा के नजदीक है हम, निराधार, लेकिन बाबा के नजदीक है। उल्टा ज्यादा आपको अनुभव हो रहा है, आपकी बातों से अनुभव हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता उस वहां पे डायरेक्ट किरने, यानी डायरेक्ट शिव की पालना हो रही है। बहुत अच्छा है ना। ललिता सखी, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, दीदी जी, आपका ना आज पूरा वॉइस कट कर... वैष्णो मोहल्ले बोल, अब आ रहा दीदी? हाँ, आता है और कट भी होता है, बोलिए। नष्टो मोह के लिए बाबा ने कहा कि सारे संबंध रोको तो आपका मोह नष्ट हो जाएगा, सारे संबंध मेरे से रख लो। ओम शांति। जी, सारे संबंध जोड़ते हैं क्या? अपने आप से पूछा क्या? कहीं ना कहीं हम लौकिक में ही आधार ढूंढ रहे हैं ना, निराधार बनना है, जी तभी बाबा आपको सपोर्ट करेगा। जैसे अभी जी विदेशियों का जी सुना ना, सभी के कितने सुंदर हैं एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट शिव बाबा पालना कर रहे हैं। जी, और जी रियलमी करके थे, उनका अनम्यूट हो गया था बात। और क्या बताएं, शिव शक्ति के बारे में, पांडवों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया आपका वॉइस पूरा कट हो गया। नीलम सिस्टर बोलिए। दीदी, बाबा ने ऑस्ट्रेलिया अमूल्य रत्नों का बोले। हाँ, ललिता बहन, आपका वॉइस कट हो रहा है, तो नीलम सिस्टर को बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। बाबा ने फिर भी विदेशियों में ऐसे अमूल्य रत्न निकाले हैं जो कि वो पूरे विश्व में ऐसे रत्नों के सैंपल भेज रहे हैं, और जगह जगह पाठशाला सेवा हो रही है। तो ऐसे जो हमारी दादी जानकी ने जो सेवा की है वो काफी फलीभूत हो रही है। और शिव और शक्ति का जो साथ बताया है बाबा ने, ये भी है कि शक्ति है, शिव शक्ति नहीं, ये नाम ही ये कहते हैं शक्ति है, लेकिन शिव शक्ति नहीं। जो शिव शक्ति है वह याद के सिवाय रह नहीं सकती, मतलब इतना कंबाइंड हम हैं। तो जैसे बाबा ने बोला कि सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ हम अपने निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं, तो इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है।
जैसे हम दीदी ओआरसी में हैं, तो ऐसे सभी विदेशी आते हैं, तो वो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि कैसे कैसे 20-20 साल के जो स्टूडेंट हैं और एक साइलेंस स्ट्रीट में अपनी जो पलक भी उनकी ना इधर उधर नहीं जाती, इतनी नाक की सीध के ऊपर जाते हैं। और ऐसे ही अभी ज्ञान सरोवर में भी विदेशियों का चल रहा है और अभी फिर ओआरसी में आएंगे, तो उनकी जो चेहरा चलन है वो वाकई ही देवता स्वरूप में, और लगते हैं कि ये इनकी चाल चलन चाल बहुत ही रॉयल और स्पीकिंग भी रॉयल है, तो वो बने बनाए ही देवता जैसे लगते हैं। तो ऐसा मेरे को बहुत अनुभव होता है उनके साथ शेयर करने का। ओम और एक शांति। आकर्षण भी रहता है ना, हाँ बाबा जी, हमेशा बोलते हैं आप आते हो तो बहुत मधुबन का स्माइलिंग, बहुत स्माइल देते हैं, बहुत ही ओम शांति जी। करना और उनका स्माइलिंग देना बहुत ही अच्छा लगता है। और दीदी जगदम्बा भवन से भी आ रहे डियरेस्ट हैं। और डियरेस्ट बोला है। हाँ हाँ बोलिए। जी, हाँ, जगदम्बा भवन से भी कुछ ओआरसी में आ रहे हैं ना भट्टी के लिए, अभी महाराष्ट्र वाला भी उनकी भी टर्न हुई, आ रहे आए हुए हैं। रहेगा। हाँ, और अभी तो लास्ट हाँ पॉइंट लेंगे जी जी। कामिनी सिस्टर बोलिए। दीदी, पॉइंट नहीं बोलती, थोड़ा अनुभव बोलू, 1-2 मिनट का ही है, ज्यादा नहीं। जी शॉर्ट में बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, अभी ऐसा ही योग में बैठी थी, तो अभी बाबा की मुरली चालू थी और मैं पाँव का अंगूठा ऐसा घुमा रही थी, तो मैं बोली बाबा मेरे से पाप हुआ तो अभी मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए, तो मुरली पूरी हो गई, योग पूरा हो गया और मैं लाल 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 लाइट था, फिर सफेद लाइट किया और देखा तो अंगूठा के नीचे बिच्छू था और उसके ऊपर मैं अंगूठा घुमाते गई घुमाते गई घुमाते गई, मैं बोला पाप हो गया बाबा, अभी मुझे शिक्षा दो, तो उन्होंने मुझे काटा ने, तो अगर हमारे युगल थे वो बाहर सोते थे, तो मैं उनको बुलाया और बोला मुझे इसने कुछ नहीं किया, इसको पकड़ो और बाहर छोड़ो, 10 बजे के बाद ये हुआ। ओम शांति। जी कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर? हाँ क्लियर है। तो बाबा ने जो बताया ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया के बच्चे प्रतिष्ठा बाबा की करेंगे, तो अभी रिसेंटली एक दो तो वीडियोस जो हमने देखे थे यूट्यूब पे सिस्टर अनन्या के, वो बहन इतने अच्छे से समझा रही है कि जैसे शिवानी दीदी यहाँ पे आ, आ, सब कुछ जैसे क्लासेस वगैरह जो भी है नए आत्माओं को देते हैं, उसी तरह वो बहन भी, तो मुझे बस ऐसे ही क्लिक हुआ कि वो बहन भी इतने बहुत ही सहज विधि से बहुत ही अच्छी तरह से समझा रही है, तो मुझे लगा वैसे तो शेयर किया। ओम शांति। देखो ऐसे ऐसे सिस्टर्स भी आ रहे हैं ना। लास्ट वीक या उसके पहले देखो रीनी सिस्टर कर भी आए थे। रीनी सिस्टर ही ना जी रेनी सिस्टर, हाँ वो सिस्टर थी। यूएसए की शायद। ये हाँ जी, रेनी देखो एक एक रत्न निकल रहे देखो वहां से, और सिस्टर ये सब कैलिफोर्निया से। मिलकर एक बुलंद आवाज निकालेंगे और भारत के कुंभकर्ण को जगाएंगे। जी तेजल सिस्टर आपको बोलना है। हाँ नहीं, वो रेनी सिस्टर यहाँ कैलिफोर्निया से है। जी बहुत अच्छा है, ऐसे लग रहा है पूरा विदेशी बोल रहा है आज। बाबा बहुत प्यार करते हैं ना सभी से, और विशेष आज नियरेस्ट और डियरेस्ट का भी वरदान दिया है आप सभी। और किसी को शेयर करना है? चेरू भाई जी आप शेयर कीजिए लास्ट। दीदी हो गया वो नीरज डीरेस्ट, डबल विदेशों से बाबा भाई बहनों से बात कर रहे थे, नीरज डीरेस्ट समझते हो सदा अपने को, वो कौन होते, बाबा के दिल की डिब्बी में रहते, बाबा के दिल में रहते हैं, जैसे आप बता रहे थे दिल तख्त पे रहते हैं, जी बाबा ने कहा आपको कल पहली बार उपलब्ध से आपको स्पष्ट है आपके सामने, ये जो कल पहले भी आपको उपलब्ध मिलती वो आपको स्पष्ट है, बाबा ने उनसे क्वेश्चन। जी
कल्प पहले हाँ, की प्रारब्ध प्राप्तिया स्पष्ट है क्या? जो ओके, अभी प्रलब्ध लास्ट दिल की दीदी में कैलाश हो। हाँ, बोलिए। बाबा ने मुरली के समाप्ति के पहले कहा था कि कल्प पहले की अगर स्मृति है तो इससे आप विजयी बनने के लिए सहज हो जाएगा। ऑप्शन दीदी ओम क्या हुआ? शांति, मैं बस थोड़ा सा पूछना मुझे इस मुरली से ही, बोलिए। वो बताए शक्ति और फिर शिव, तो इसका अर्थ क्या है दीदी? शिव शक्ति गलत है? शक्ति नहीं, शिव और शक्ति कंबाइंड स्वरूप में। हाँ, तो अपन यही बोलेंगे ना, स्वमान में शिव शक्ति बोलेंगे ना। हाँ, शिव शक्ति, सिर्फ शक्ति नहीं बोलते ना, शिव शक्ति। उनका कहने का मतलब है कि शिव शक्ति, हाँ, सिर्फ शक्ति शिव नहीं शक्ति। बोलते। हाँ, जी, तो आज का मनसा सेवा का सकाश का टॉपिक भी शक्ति है। इस वीक में ना हम एक-एक गुण से भरपूर होंगे और उस गुण को फैलाते हुए सेवा करेंगे। तो आज का मनसा सेवा का गुण है शक्ति। तो जो भी अभी मुरली से जुड़े हैं, मनन चिंतन से जुड़े हैं, तो सभी प्रयत्न करें कि मनसा सेवा, बाबा ने आज्ञा दिया है ना, तो टाइम फिक्स करें। तो यहाँ पे भी टाइम मिला है, इस ग्रुप में फिक्स किया है। ओके, सभी अभी शक्ति बनेंगे, शिव की शक्ति। चले उड़ चलते हैं बाबा के पास। शिव की शक्ति अपने आप को फील करेंगे। बाबा से कंबाइंड होते हैं, शिव शक्ति कंबाइंड। देखे, हर एक शक्ति 1 सेकेंड में ही अपने आप में फील करे, सारी शक्तियां। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न, शिव शक्ति स्वरूपा बन चुकी हूँ। अब देखें यूनिवर्स में इसी कंबाइंड स्वरूप में सारी शक्तियों को फैलाते हुए, मैं लाइट हाउस, नाइट हाउस, सारे यूनिवर्स को शक्तियों से भरपूर कर रहे। सदैव स्मृति स्वरूप बाबा से कंबाइन, 1 सेकेंड भी बाबा से दूर नहीं। अब आ जाए कंबाइन स्वरूप में नीचे, अपने साकार तन में, भ्रुकुटि तख्त पर, शिव बाबा से कंबाइंड। देखे सारे मन बुद्धि संस्कार में ये लाइट और माइट का प्रकाश फैला कर
ये पवित्र प्रकाश से मेरे मन बुद्धि संस्कार रॉयल बन गए। अब देखे पूरे शरीर में ये प्रकाश फैलते हुए सारे वातावरण में जा रहा है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स में सभी आत्माओं को ये शक्ति की लाइट और माइट मिलती जा रही है। देखिए ये शक्ति की किरणें मुझसे सारे वातावरण को कितनी शक्तिशाली बना रहा है। ये शक्तियां मेरे पूरे चेहरे से मन वाणी और कर्म में सभी को परमात्मा की प्रत्यक्षता का अनुभव करा रही है। देखिए ये शक्ति बाबा हमें प्रत्यक्ष कर रहा है। सारी आत्माओं को हम शक्ति दिखाई दे रही है देवियों के स्वरूप में। देखिए 1 सेकंड में हम देवी स्वरूप शिव शक्ति और दूसरे ही सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष हो रहे। सारे घर मंदिर हो गए और हम चैतन्य देवियां चैतन्य मूर्तियां फील करे। घर को मंदिर और हम मूर्तियां चल रही है। हर कर्म कर रही है हमारे कर्म द्वारा सभी को अपनी देवी स्वरूप दिखाई दे रहा है। कर्म साधारण और हम देवी देवता के स्वरूप में सभी को अनुभव हो रहे हैं। और सारी देवियां मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष कर रही है। अब इसी शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में हम आगे का हर कर्म करेंगे। अच्छा ओम शांति। आज होमवर्क में भी यही लेंगे। अमृत वेला भी इसको दोहराएंगे। अच्छा ओम शांति। गुड नाइट सभी को। शुक्रिया दीदी।